जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। अभी टैली का बेसिक क्लास है और आज की क्लास पे हम लोग सीखेंगे कंपनी बनाना, डेटा का फोल्डर सेट करना, बैकअप का फोल्डर सेट करना और कुछ जनरल एंट्रीज, और उन जनरल एंट्रीज के माध्यम से हम लोग एक ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। साथ ही साथ ये चेक करेंगे कि ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट प्रैक्टिकल के साथ कैसे इंप्लीमेंट होता है। आइए, ठीक है, अब चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपना। जैसे टैली पर आप डबल क्लिक करते हैं, इस तरह से टैली लोड होता है, और चूंकि हमें ट्रेनिंग के लिए सीखना है इसलिए हमें कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पर क्लिक करना होता है, और ये बाय डिफॉल्ट हमारा इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है। ठीक है, जैसे टैली सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो पहले से बनी हुई कंपनी है ना, वो कंपनी बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाती है। आपको करना ये है कि अगर किसी की कंपनी पहले से ओपन है तो सबसे पहले उस कंपनी को क्लोज करना है। किसी पुरानी कंपनी को क्लोज करने के लिए कंट्रोल के साथ F3 बटन का इस्तेमाल करना है और यहाँ पर एंटर बटन पे क्लिक करना है, जिससे हमारी पुरानी कंपनी क्लोज हो जाए। क्लोज होने के साथ ही साथ हम एक नई कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें करना है क्रिएट कंपनी के विकल्प पर क्लिक, और यहाँ जाने के बाद हमें कंपनी का अपने डिटेल भर के एक कंपनी क्रिएट करना है। तो सपोज करो हमने यहाँ पर एक कंपनी बनाया GIT कंप्यूटर्स के नाम से। ठीक, कंपनी का नेम और मेलिंग नेम ये मोस्टली सेम ही होता है। मेलिंग नेम का मतलब जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना पत्राचार का पता, जिसमें पूरा डिटेल रहता है, उसी तरीके का मेलिंग नेम यहाँ पर भी आता है, और यही मेलिंग नेम हमारे सारे रिपोर्ट्स में भी प्रिंट होता है। अगर हम बैलेंस शीट बनाने हमारी बनेगी, या स्टॉक स्टेटमेंट तैयार करेंगे, या कोई भी अगर डेटा हम प्रिपेयर करें टैली से, तो यही नेम हमारा वहां पर ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा। सबसे अच्छी चीज टैली में यही है कि डेटा की एंट्री हमें एक बार करनी है, और उससे जितना ही इम्पैक्ट पड़ना है, जितने भी रिपोर्ट बनने हैं, वो सब ऑटोमेटिक बन के तैयार हो जाए। ठीक है, तो चलिए सब यहाँ पे हमें एड्रेस डालना है। एड्रेस हमने भर दिया रेलवे स्टेशन रोड पडरौना कुशीनगर, जो भी अपना एड्रेस एड्रेस हम लोग भर देंगे। स्टेट उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है, तो ये ड्रॉप डाउन जो दिख रहा है ना, यहाँ पे सबसे बेटर रहेगा जैसे उत्तर प्रदेश से यू प्रेस, यू से स्टार्ट होता है, तो आपको करना क्या है यहाँ पे यू प्रेस करना है। जैसे आप यहाँ पे यू प्रेस करेंगे ना, तो यू से जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट होंगे, सॉरी जो भी स्टेट होंगे, वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएंगे। तो सर्च करना थोड़ा सा आसान है। आपको यहाँ क्या लेना है, उत्तर प्रदेश। और टैली इस्तेमाल करते समय कोशिश से करिए ज्यादा से ज्यादा कीबोर्ड का इस्तेमाल करिए, माउस का इस्तेमाल ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि कीबोर्ड जितना अधिक आप टैली इस्तेमाल करेंगे उतना ही आप लोगों का हाथ सेट हो जाएगा टैली सॉफ्टवेयर पे, और उतना ही बेहतर तरीके से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें पिन कोड भरना है 2743 04, टेलीफोन नंबर भर दिया हमने, मोबाइल नंबर भर दिया, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी भर दिया हमने। सपोज करो हमारी ईमेल आईडी है abc@giteducation.com। वेबसाइट हमने भर दिया www.giteducation.com। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर पूछा जाएगा। कल मैंने इसको समझाया भी था आपको कि फाइनेंशियल ईयर एक अलग चीज है और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम एक अलग चीज है। बुक्स बिगिनिंग का मतलब हम अकाउंट्स का बुक्स मेंटेन कब से करना शुरू कर रहे हैं, यानी हम अपनी एंट्री कब से प्रारंभ कर रहे हैं, वो हमारा बुक्स बिगिनिंग में रहेगा। और फाइनेंशियल ईयर हमेशा अप्रैल से स्टार्ट होता है, इसलिए फाइनेंशियल ईयर में हमेशा 1 अप्रैल का ही डेट रहेगा। ठीक है, तो हमने दो अब 1 अप्रैल यहाँ भी रखा। बाय डिफॉल्ट हम ये मान लेते हैं कि 1 अप्रैल से अपना बुक्स भी मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए हमने 1 अप्रैल का डेट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद हम इंटर करेंगे, और इंटर करने के साथ इसको हम कर देंगे एक्सेप्ट। इस तरह से एक कंपनी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। अभी इस कंपनी में जीएसटी का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए फिलहाल हमने इसको कर दिया नो। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया ना। कल यही ट्रांजेक्शन आपको दिए गए थे, जिसमें सबसे पहला ट्रांजेक्शन है हम लोग का ट्रांजेक्शन नंबर 1। बोला जा रहा है एज ऑन 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 को प्रोप्राइटर मिस्टर अमित, जो अमित प्रोप्राइटर था, वो इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ ₹50,000, 50,000 रुपये कैपिटल इन्वेस्ट किया बाई कैश नगद। बात समझ में आ रही ना। 1 अप्रैल 2022 को अमित, जो हमारे बिजनेस का प्रोप्राइटर है,
उसने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाया कितना, 50,000 का, 50,000 रुपये का, इसकी एंट्री हमें करनी है। ठीक है, आप लोगों को सेपरेट एंट्री का कंसेप्ट पहले बताया गया था कि बिजनेस एक अलग एंटिटी होती है और बिजनेस का ऑनर जो है वो बिल्कुल अलग एंटिटी। यानी अमित ने अपने बिजनेस में 50,000 रुपये लगाया, जब इसके आप जनरल एंट्री करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें हमारा कैश का खाता डेबिट होगा और हमारा कैपिटल का खाता क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो अभी इसकी जनरल एंट्री करने के लिए आपको करना क्या है, सीधे जैसे आपकी कंपनी ओपन हो जाती है तो आपको यहाँ पे जाना है वाउचर में, और वाउचर में जाने के बाद एक जनरल वाउचर आपका यहाँ बना हुआ बाय डिफॉल्ट इसी के लिए, तो आप F7 से जनरल वाउचर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद आप देखेंगे यहाँ बाई करके आ रहा है, जबकि हमने जो एंट्री करना सीखा है वह डेबिट और क्रेडिट के फॉर्मेट में सीखा है। हमने ये सीखा है कौन सा खाता हमारा डेबिट होगा और कौन सा खाता हमारा क्रेडिट होगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ बाई और टू के फॉर्मेट में आ रहा है। तो हमें करना ये होगा, नीचे एक बटन दे रखा है F12 कन्फिगर, कन्फिगर पे जाना है, और जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, आइए यूज क्रेडिट डेबिट, इस ऑप्शन को हमें कर देना है यस। जैसे यूज डेबिट और क्रेडिट के ऑप्शन को हम करेंगे यस, फिर कंट्रोल ए से करेंगे एक्सेप्ट। इसको एक्सेप्ट करने के साथ ही क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो टू बाई लिख कर आ रहा था वो डेबिट और क्रेडिट के रूप में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें डेबिट किसको करना है, आप जो सोल्यूशन निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डेबिट इसमें क्या होगा, कैश का खाता। ये सोल्यूशन बताने की जरूरत तो नहीं है ना, जनरल एंट्री सबको आता है ना, हम ऐसा एज्यूम करके पढ़ा रहे हैं कि जनरल एंट्री आपको आती। ठीक है, समझ में आया, तो इसमें डेबिट क्या होगा, कैश का अकाउंट, इसलिए सबसे पहले हम डेबिट करेंगे। अब यहाँ लिस्ट में कैश तो दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, सो मोर के ऑप्शन पे जाके एंटर करेंगे तो कैश हमको दिखने लगे, और यहाँ से हम कैश को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें कैश का अमाउंट भरना है, कितना रुपए, 50,000, तो हम यहाँ भर देंगे सिंपली 50,000। उसके बाद डेबिट के नीचे अगेन डेबिट आ गया, लेकिन हमें यहाँ चाहिए क्या, क्रेडिट, तो हम कीबोर्ड से सी बटन दबा के इंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। और अब यहाँ पे सेकंड खाता हमको चाहिए, सेकंड हमारा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, तो हम करेंगे क्या, हमें एक खाता यहाँ पर बनाना पड़ेगा, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो लेजर क्रिएट करने के लिए अल्ट सी का इस्तेमाल करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए अल्ट सी एक ऐसा विकल्प है जिससे हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, हम कोई आइटम बना सकते हैं, हम कोई गोडाउन बना सकते हैं, हम कोई वाउचर्स क्रिएट कर सकते हैं, समझ आया। यानी अल्ट सी एक ऐसा विकल्प है जो कुछ भी क्रिएट करेगा, सी मीन्स क्रिएट करना, आपको टैली में अगर कुछ भी क्रिएट करना है, जैसे कल हमने बताया था अगर कुछ भी सेव करना है तो कंट्रोल ए बताया गया था ना, ठीक उसी तरीके से अगर हम आज आपको ये बता रहे हैं कि अगर कुछ भी क्रिएट करना है, कुछ भी नया अगर आपको क्रिएट करना है तो आप अल्ट सी का इस्तेमाल करेंगे, समझ आया। यानी अल्ट सी एक ऐसी दवा है जो हर मर्ज में काम आएगी, हर जगह इस्तेमाल होगा, समझ आ रहा ना, कुछ भी क्रिएट करना हो, चाहे आइटम क्रिएट करना हो, चाहे ग्रुप क्रिएट करना हो, चाहे लेजर बनाना हो, चाहे गोडाउन बनाना हो, टैली में अगर कुछ भी नया क्रिएट करना है तो उसका शॉर्टकट की है अल्ट सी। तो जैसे अल्ट सी पे क्लिक करेंगे यहाँ सबसे पहले पूछा जाएगा लेजर का नेम, और यहाँ पे अपना नाम देना है आपको कैपिटल अकाउंट, नाम यहाँ पे आपको देना है कैपिटल अकाउंट। और हम जानते हैं कि जो कैपिटल का खाता होगा वो भी कैपिटल के ग्रुप ही में बनता है, इसलिए इसको भी हम कैपिटल के अकाउंट के भीतर ही रखेंगे और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर सकते हैं, या तो इंटर इंटर आप कई बार प्रेस करके नीचे आए और सबसे लास्ट में उसको एक्सेप्ट करें, दोनों विकल्प है। और यहाँ पे 15,000 आपने कर दिया। लास्ट में आता है नरेशन, नरेशन क्या होता है जानकारी है आपको, हाँ ये अकाउंटिंग हम किसके लिए करते हैं, अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए। तो इन केस अगर मान लीजिए ये ट्रांजेक्शन आज की डेट में हमें याद है कि मालिक ने 50,000 रुपये बिजनेस में लगाया, उसकी एंट्री ये है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं कि आज के 2 महीने बाद ये चीज हमको याद ही रहेगा। अगर 2 महीने बाद हम इस ट्रांजेक्शन को ओपन करें तो हमें ये डाउट होगा कि आखिर एंट्री मैंने किया क्यों, उसके लिए हम लोग नीचे नरेशन लिखते हैं। नरेशन लिखते हैं मेमोरी के लिए, अपने याददाश्त के लिए, या सपोज करो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, कंपनी का जो है जो MDO है, डायरेक्टर है, अगर उसने आपसे पूछ लिया कि ये बताओ ये एंट्री किस लिए किए हो आप, उस समय तो याद रहेगा नहीं आपको, क्योंकि एंट्री आपने 2 महीने 3 महीने 6 महीने पहले किया था, भूलने का डर है। तो उस समय अगर आप नरेशन लिखे रहेंगे तो ट्रांजेक्शन को ओपन करके देख के बता सकते हैं कि एंट्री किस लिए किया गया। तो नरेशन लिखने का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि नरेशन में हम ट्रांजेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को भरते हैं अपने शब्दों में,
ये नरेशन आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यहाँ टैली में बहुत सारे लैंग्वेज सपोर्ट करता है, आप हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, किसी भाषा में नरेशन लिखें। बस नरेशन लिखने का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इनकेस अगर हम ट्रांजेक्शन को भूल भूल जाएं तो हम दोबारा हमको याद करने में थोड़ी सी आसानी रहे। तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ नरेशन में आना है और आने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है, हम लिखेंगे यहाँ पर बींग बींग कैश इन्वेस्टेड बाई प्रोपराइटर, यानी प्रोपराइटर के द्वारा कैश इन्वेस्ट किया गया। कुछ भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ऐसा लिखने के लिए आप फ्री हैं। कुछ भी ऐसा लिखे बस उसमें मीनिंग क्लियर हो जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं, इसको आप दोबारा पढ़ के समझ सकें कि एक्चुअल इस ट्रांजेक्शन में हो क्या रहा है। इसको करेंगे इंटर, इंटर करने के साथ हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। ये ट्रांजेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, एज ऑन 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 को परचेज गुड्स ऑफ ₹30,000 बाई कैश ऑन इनवाइस नंबर 556। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी एंट्री परचेज वाउचर में करनी पड़ेगी। और परचेज वाउचर क्या होता है, अभी इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, परचेज वाउचर क्या है, इसके बारे में कुछ नहीं आइडिया आप लोगों को। ट्रांजेक्शन में आपको पढ़ाया गया होगा कि हमारे ट्रांजेक्शन कई तरीके के होते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन परचेज के होते हैं, कुछ सेल्स के होते हैं, कुछ पेमेंट के होते हैं, कुछ रिसीट के होते हैं, ऐसा आपको बताया गया हुआ मैनुअल तरीके से। तो यहाँ पर आप समझिए, अगर हम बिजनेस में कभी भी गुड्स परचेज करेंगे, बिजनेस में अगर कभी भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री हमें परचेज वाउचर में करनी होगी। अगर हम बिजनेस में कभी भी गुड्स खरीदेंगे उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, परचेज वाउचर, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। और परचेज वाउचर की जो शॉर्टकट की है ना, वो होती है F9। तो हमें करना क्या है, हमें अपने टैली पे आना है और आप यहाँ देखेंगे जो साइड में आपको पैनल ये दे रखा है, ये राइट पैन जो आपको दे रखा है साइड में, उस राइट पैन में आपको यहाँ पे दिखेगा ये F9 परचेज दिख रहा है ना। तो सिंपली आपको इस परचेज बटन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद देखो फिर मैंने सोल्यूशन दे रखा है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है चेंज मोड पर, और चेंज मोड पे जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है एज वाउचर। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक बटन दे रखा है चेंज मोड, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl H। और जैसे इस चेंज मोड बटन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा क्या, एज वाउचर, और वाउचर में आप आ जाओ। सबसे पहले पूछा जाएगा सप्लायर का इनवाइस नंबर, आप इसको देखेंगे तो आपको इनवाइस नंबर भी यहाँ पे दे रखा है 556, और आपको यही इनवाइस नंबर यहाँ पे एंट्री कर देना है 556। बात समझ में आ रहा ना। अब यहाँ पे दो चीज पूछ रहा है, क्रेडिट एंड डेबिट। तो इस ट्रांजेक्शन को जब आप जनरल एंट्री करेंगे ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें हमारा परचेज का खाता डेबिट होगा और कैश का खाता क्रेडिट होगा। तो हम सिंपली करेंगे क्या, हम क्रेडिट करेंगे कैश के अकाउंट को। कैश के अकाउंट को क्रेडिट करने के साथ साथ हमें अमाउंट भरना है, तो हमें कितना रुपए का एंट्री करना है इसमें, एक बार थोड़ा सा हम बैग जाके देख ले रहे हैं। ये ₹30,000 का गुड्स खरीदा गया है, तो कैश क्रेडिट कितने रुपए से होगा, 30,000 से है, यही नरेशन होगा ना इसका। तो हम यहाँ कर देंगे 30,000, और डेबिट किसको करेंगे, परचेज के खाते को। अब यहाँ आप देखेंगे परचेज का कोई अकाउंट आपको दिख नहीं रहा है, वही पुराना काम, जो चीज जो लेजर्स आपको नहीं दिखाई देते हैं उन्हें हम अल्ट सी से क्रिएट कर लेते हैं। जो लेजर हमको ना दिखाई दें उन्हें हम अल्ट सी से क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे हमने अल्ट सी बटन प्रेस किया, और यहाँ पे हम प्रेस करेंगे परचेज अकाउंट, यहाँ पे हमको क्लिक करना है परचेज अकाउंट, और हमें यहाँ ग्रुप सेलेक्ट करना है परचेज का, और यहाँ कर देंगे नॉट अप्लीकेबल, कंट्रोल से हम कर देंगे एक्सेप्ट। फिर ये पूछेगा नेम ऑफ आइटम, चूंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ ये बताया जा रहा है कि हमने परचेज किया। देखिए क्वेश्चन में साफ सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि हमने ₹30,000 का गुड्स परचेज किया बाई कैश, मतलब नगद। हम अपने सप्लायर की दुकान पर जाते हैं, उसको पैसा देते हैं और गुड्स खरीद कर ले आते हैं। उस गुड्स में मैंने क्या खरीदा इसका नाम नहीं लिखा है, हमने कीबोर्ड परचेज किया, माउस परचेज किया, सीपीयू किया, मॉनिटर किया, इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसका रेट क्या था ये भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्वांटिटी कितना था ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सिंपली क्वेश्चन में इतना बोला जा रहा है कि ₹30,000 का गुड्स खरीदा, बात समझ में आ रही ना। तो चूंकि यहाँ आइटम से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए ये जो इन्वेंट्री एलोकेशन की विंडो आ रही है ना, आपको सिंपल Ctrl A बटन दबा के इसको सेव कर लेना, इसमें कुछ लिखना नहीं है। ठीक
ठीक है, जब आप एंट्री करेंगे और एंट्री करने के बाद इस तरह की विंडो आएगी, यहाँ आप कीबोर्ड सीधे कंट्रोल ए दबाइए बगैर कुछ लिखे, और लिखने के बाद आप यहाँ अमाउंट भरिए 30,000 रुपए, और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। दो ट्रांजेक्शन हो गया, जैसे दो ट्रांजेक्शन हुआ सेम उसी तरीके से हमें तीसरा ट्रांजेक्शन एंट्री करना है। बोला जा रहा है एज ऑन 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 को रिसीव्ड ₹1,00,000, 1 लाख रुपए रिसीव हो रहा है फ्रॉम ब्रदर। किससे? ब्रदर, मेरे ब्रदर का नाम क्या है? मधुकर। आ एज क्रेडिट मतलब उधार, मैंने अपने भाई से बोला कि मेरे भाई तुम्हारे पास 1 लाख रुपए रखे हो तो हमें दे दो, ठीक, उसका हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो पैसा मैंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो आप ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं वो पैसा मेरे बिजनेस में आ रहा है ना, मेरे भाई ने ही मुझे पैसा दिया लेकिन वो पैसा बिजनेस में आया ना। और बिजनेस में कभी भी पैसा आता है तो उसकी एंट्री में रिसिप्ट वाउचर में करनी है। अगर बिजनेस में पैसा किसी भी सोर्स से आ रहा है, किसी भी कारण से आ रहा है, किसी भी माध्यम से आ रहा है, उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे? रिसिप्ट वाउचर में। बात समझ में आ रहा ना? अगर हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है, चाहे वो किसी सोर्स से आ रहा हो, किसी माध्यम से आ रहा हो, या किसी भी रूप में आ रहा हो, किसी भी मोड में आ रहा हो, चाहे कैश आ रहा हो, चाहे अकाउंट में आ रहा है, अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है तो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी? रिसिप्ट वाउचर। ठीक है, पैसा रिसीव होने बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, रीजन कुछ भी हो उससे बहस नहीं है। अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है तो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी? रिसिप्ट वाउचर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टैली पर आएंगे, राइट साइड के पैन पर देखेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा F6 से रिसिप्ट वाउचर, हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद सबसे पहले पूछ रहा है अकाउंट, सबसे पहले हमें क्या सिलेक्ट करना है? अकाउंट। तो देखिए ये पैसा मुझे नगद मिल रहा है, यानी कौन से अकाउंट पर प्रभाव पड़ेगा? कैश पर, इसलिए हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कैश। अच्छा, अगर यहाँ पे डेबिट क्रेडिट आपको लाना है तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर को रिपीट करेंगे जो फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में हमने किया था। क्या करेंगे, F12 कन्फिगर पे जाएंगे और यूज डेबिट क्रेडिट वाले ऑप्शन को कर देंगे यस। दिख रहा ना, यूज डेबिट क्रेडिट वाले ऑप्शन को कर देंगे हम यहाँ से यस, और यस करने के बाद हम इसको कर लेंगे सेव। और एक काम और करेंगे, कन्फिगर में जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है, वाई प्रेस करके आप इसे यस करिए। यस करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और मिलेगा, उस ऑप्शन का नाम है डबल एंट्री मोड। अच्छा सॉरी, यहाँ पे नहीं, बाहर ही है। यहाँ पे चेंज मोड पे जाएंगे ना तो ये सिंगल और डबल दो मोड आपको दिखाई देगा। जब सिंगल मोड सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर अकाउंट दिखाई देगा, तो आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी क्योंकि तो अभी तक आपने जनरल एंट्री किया है और वो जनरल एंट्री डेबिट और क्रेडिट के फॉर्मेट में होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जाना है चेंज मोड पर, और चेंज मोड पे जाने के बाद हमें ले लेना है यहाँ से क्या, डबल एंट्री मोड। और डबल एंट्री मोड जैसे लेंगे आपको डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे शो होने लगेगा। मैं रिपीट करके दिखा रहा हूँ, जब हमारा मोड था सिंगल एंट्री, जब हमारा मोड था सिंगल एंट्री तो केवल यहाँ अकाउंट शब्द आता था, हमको कंफ्यूजन होता था कौन सा अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। लेकिन जैसे ही हमने मोड चेंज किया और चेंज करने के बाद डबल एंट्री सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट लिखकर आने लगा। तो सबसे पहले क्रेडिट वाले खाते को हमें सेलेक्ट करना है। देखिए जब इसका आप जनरल एंट्री करेंगे ना तो कैश बिजनेस में आ रहा है, एक रियल अकाउंट, इसलिए कैश को क्या करते हैं हम लोग, कैश को हम करते हैं डेबिट। अगर रियल अकाउंट्स बिजनेस में आता है उसको क्या करते हैं? डेबिट। ऐसा नियम आपने पढ़ा होगा गोल्डन रूल में, सेम उसी तरीके से सेकेंड जो बिजनेस में पैसा देता है उसको हम करते हैं क्रेडिट। देखिए ध्यान से, मिस्टर मधुकर क्या है? एक पर्सन है, और किसी पर्सन का जो खाता होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, और पर्सनल अकाउंट का नियम ये कहता है कि देने वाला क्रेडिट, पाने वाला डेबिट। यहाँ मधुकर पैसा दे रहे हैं या पा रहे हैं? दे रहे हैं, इसलिए मधुकर के खाते को हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। लेकिन मधुकर का लेजर जो हम बनाएंगे वो अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत बनाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मधुकर भैया से हम पैसा उधार ले रहे हैं, आज नहीं तो कल ये पैसा मुझे देना है। अनसिक्योर्ड लोन हम इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इस लोन के बदले हमें कोई पेपर नहीं लगाना पड़ रहा है, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाना पड़ रहा है, या कोई ऐसा दस्तावेज नहीं देना पड़ रहा है जिससे गारंटी प्रूफ हो। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर से, अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर से बगैर किसी गारंटी का आप कोई पैसा लेते हैं तो उसके लिए जो भी लेजर आप बनाएंगे, चाहे फ्रेंड का बनाए या फैमिली मेंबर का बनाए, उसका ग्रुप होगा अनसिक्योर्ड लोन। अपने दोस्त से पैसा ले लिए तो अनसिक्योर्ड लोन होगा, अपने पिताजी से ले लिए तो भी अनसिक्योर्ड लोन होगा, अपने भाई से ले लिए तो भी अनसिक्योर्ड लोन हो गया। किसी भी सोर्स से अगर पैसा हम ले रहे हैं और उस पैसे के लिए हमें कोई एविडेंस नहीं देना है, कोई पेपर तैयार नहीं करना है, कहीं एग्रीमेंट पे साइन नहीं करना, कहीं कुछ नहीं करना है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? अनसिक्योर्ड लोन।
समझाया? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे क्रेडिट, हम यहाँ पे करेंगे क्रेडिट। क्रेडिट किसको करेंगे, ध्यान दीजिए, क्रेडिट हम करेंगे यहाँ पे, एक खाता बनाएंगे लोन फ्रॉम ब्रदर, या हम सीधे लिख देंगे लोन फ्रॉम मधुकर, इस तरीके से हम एक खाता बना लेंगे, या हम दोनों सब लिख देंगे लोन फ्रॉम ब्रदर मिस्टर मधुकर, जिससे आइडेंटिफाई जाए कि इस लेजर में हो क्या रहा है। ये लोन का खाता है, ये हम लोन ले रहे हैं किससे, अपने भाई से, उसी का लेजर हम बना रहे हैं। तो हमने कल इसको कॉपी एंड कॉपी करने के बाद हमें एक लेजर यहाँ पे अल्ट सी बटन से क्रिएट करना होगा। क्रिएट करने के बाद हमें इसे करना होगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हमें क्या सिलेक्ट करना होगा, अनसिक्योर्ड लोन, और कंट्रोल इसे हम करेंगे एक्सेप्ट। अच्छा, कितना रुपए लोन ले रहे हैं, 1 लाख रुपए, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे 1 लाख रुपए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 1 लाख। अब हमें डेबिट करना है, हमने डेबिट बटन पर क्लिक किया और यहाँ सेलेक्ट कर लिया कैश का आइटम, और अमाउंट भर देंगे 1 लाख रुपए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार एंड लाख, और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, अब है चौथा क्वेश्चन। बोला जा रहा है एज ऑन 1 अप्रैल 2022 सोल्ड गुड्स ऑफ ₹34,000 बाई कैश, 34,000 रुपए का गुड सेल किया नगद। हम क्या करेंगे, हम सेल्स वाउचर में जाएंगे। सेल्स वाउचर में जाने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्टी का अकाउंट नेम सेलेक्ट करेंगे। हम सेल किसको कर रहे हैं, किस कोई पार्टी का नाम नहीं है, कैश, हम कैश सेल कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पार्टी के नेम में भी कैश सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और बेहतर रहेगा कि हम यहाँ चेंज मोड में, देखो सोल्यूशन भी मैंने दे रखा है, आप इसके नेक्स्ट पेज पर जाओगे ना तो आपको यहाँ पे सोल्यूशन भी दिखाई देगा, और यहाँ पे भी आपको वही सेम काम करना है, चेंज मोड पर आना है, और मोड पे जाने के बाद एज ए बाउचर सेलेक्ट कर लेना, एज ए बाउचर। बाउचर सेलेक्ट करेंगे सीधा डेबिट क्रेडिट एंट्री करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो डेबिट करेंगे कैश को। कैश को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तो हम नगद सेल कर रहे हैं और कैश मेरे बिजनेस में आ रहा है। कोई कस्टमर आता है, मैंने उसको 34,000 रुपये का गुड सेल किया, उसने मुझे 34,000 का पेमेंट कर दिया, यानी मेरे बिजनेस में 34,000 रुपये आ गया, यानी मेरे बिजनेस में कैश आ रहा है। कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है, बिजनेस में आ रहा है, आने वाली चीज को करते हैं डेबिट, इसलिए हम यहाँ पे कैश को डेबिट कर रहे हैं। जब हम सेल करेंगे तो कैश में रिसीव होगा, कैश एक रियल अकाउंट है, व्यापार में आ रहा है, आने वाली चीज को करते हैं डेबिट, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ करना है कैश को डेबिट, कितने रुपए से, ये हम हमने सेल किया था 34,000, तो हम यहाँ भर देंगे 34, तो हम यहाँ कर देंगे 34,000। अच्छा, डेबिट हम क्रेडिट किसको करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे यहाँ से किसको, कैश को, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे, सॉरी सेल्स को, तो सेल्स का लेजर हम बना लेंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स का ग्रुप क्या होगा, सेल्स, ठीक है। पांचवा, एज ऑन 1 अप्रैल 1 अप्रैल को पेड ₹1,000, 1,000 रुपये का पेमेंट किया एज ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट के लिए बाई कैश नगद, हमने 1,000 रुपये का पेमेंट कर दिया, किसको कर दिया, हमने रेंट पे किया ऑफिस में। तो आप जान रहे हैं कि जो रेंट का खाता होता है वो कैसा होता है, वो रेंट भी बिजनेस के लिए क्या है, खर्च है, और खर्चों को करते हम लोग डेबिट, इसलिए हम यहाँ रेंट को क्या करेंगे, डेबिट। लेकिन रेंट का जो लेजर बनाएंगे उसको हम कहाँ बनाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के भीतर। तो चूंकि यहाँ पे हम पैसा दे रहे हैं, देखो इस ट्रांजेक्शन में क्या है, हम अपने मकान मालिक को किराया दे रहे हैं, और जब कभी भी हम किसी को पैसा देते हैं तो मेरे लिए पेमेंट कहलाता है, और उसके लिए हम वाउचर भी पेमेंट का ही इस्तेमाल करते हैं, और पेमेंट वाउचर में हमेशा खर्चों को डेबिट करते हैं, इसलिए हम यहाँ अल्ट सी से एक खाता बनाएंगे और इसका नाम रख देंगे रेंट अकाउंट, और रेंट हमारे बिजनेस के लिए खर्च है, इसलिए इसको हम किस ग्रुप में रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में।
ठीक है, और यहाँ भर देंगे 1000 और हम क्रिएट कर देंगे कैश के अकाउंट को, और इसको हम कर लेंगे सेलेक्ट। बात समझ आ रही ना? इस तरह से 500 एंट्री हमने कर लिया। अब हमको ये चेक करना है कि मेरे द्वारा की गई एंट्री सही है या गलत, मैंने जो एंट्री किया वो सही है या गलत, यानी L1 की टेस्टिंग हमको करनी, Level 1 की टेस्टिंग करनी है। ये कैसे होगा? ट्रायल बैलेंस की मदद से। तो सारी एंट्री करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमें अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे चले जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और यहाँ पे आने बाद आप देखेंगे तो एक जगह लिखा है ट्रायल बैलेंस। सिंपली आप ट्रायल बैलेंस पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये ट्रायल बैलेंस बन के तैयार। लेकिन ये ट्रायल बैलेंस ग्रुप वाइज है, अगर आप इसको लेजर वाइज देखना चाहते हैं तो कीबोर्ड से F5 बटन दबाएं और लेजर वाइज बटन पे क्लिक करें, ये आपका ट्रायल बैलेंस बन के तैयार। दिख रहा ना? अब आप ध्यान दीजिए, इस ट्रायल, ये जो ट्रायल बैलेंस आपका बनाया गया है, इसमें ये जो डेबिट साइड का बैलेंस है ये टोटल है 184, और क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है ये टोटल कितना है 184, यानी हमारा डेबिट साइड का जो टोटल बैलेंस है वो क्रेडिट साइड के टोटल बैलेंस के बराबर आया। कहीं पर भी यहाँ कोई डिफरेंस आपको दिख नहीं रहा है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है अभी तक की जितने एंट्री की मैंने, 5ों एंट्री जो किया वो सही है, और यही क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव था कि आपको ट्रायल बैलेंस बना के दिखा दिया जाए प्रैक्टिकली कि हम प्रैक्टिकली ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। इसलिए 5 ट्रांजेक्शन का मैंने सेट लिया, आप 5 से अधिक ट्रांजेक्शन भी ले सकते हैं, 5 लीजिए, 10 लीजिए, 15 लीजिए, 20, आपकी मर्जी, कितना भी ट्रांजेक्शन करेंगे आप, लास्ट में सबका ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट बराबर ही आएगा। डेबिट साइड का टोटल वैल्यू क्रेडिट साइड के टोटल वैल्यू के बराबर आएगा। अगर ऐसा आ रहा है कि मान के चलेंगे कि आपने जो बुक्स में एंट्री किया वो एंट्री आपकी परफेक्ट है, सही, उसमें कोई गलती नहीं, और अगर यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा तो आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। हो सकता है आपने डेबिट के वाले खाते को क्रेडिट कर दिया हो, क्रेडिट वाले को डेबिट कर दिया हो, या ये भी हो सकता है कि आपने ग्रुप गलत सेलेक्ट कर लिया हो। जैसे आज जितने भी खाते हमने बनाए, आज हमने बनाया कौन सा खाता? एक खाता हमने बनाया परचेज, ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना है कि परचेज का जो अकाउंट होता है वो होता है किसमें? परचेज के अंतर्गत। परचेज का अकाउंट कहाँ बनता है? परचेज के अंतर्गत। जो सेल्स का लेजर हम बनाएंगे वो कहाँ बनेगा? सेल्स के अंतर्गत। एक जो हमने रेंट का अकाउंट बनाया वो कहाँ पे बनाया? वो हमने बनाया इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत। जो हमने कैपिटल बनाया उसका ग्रुप क्या था? कैपिटल अकाउंट का ग्रुप क्या होगा? कैपिटल ही होगा। तो हमेशा आपको ध्यान देना है, अकाउंट्स में एंट्री करते समय सिर्फ दो बारीकियां हैं जो हमेशा आपको ध्यान देना है। नंबर 1, आप गोल्डन रूल आपका सही होना चाहिए, गोल्डन रूल में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर आ रहा है या जा रहा है, आने वाले को डेबिट करेंगे या जाने वाले को डेबिट करेंगे, ये कंफ्यूजन रख के अकाउंटिंग नहीं कह सकता, पहली चीज। सेकेंड चीज, ये जो हमारे लेजर है, ये जो हमने आज लेजर बनाए हैं, और ये जो लेजर का ग्रुप है, ये जो लेजर है और ये जो लेजर का ग्रुप है, ये एग्जैक्टली सही होना चाहिए, इसमें कोई सस्पेंस नहीं होना चाहिए कि सर ये परचेज का है ना, ये परचेज का परचेज में नहीं, सर ये सेल्स में बन सकता, ऐसा नहीं, बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए। इसके लिए अभी हम 2 पेज का चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपको प्रिंट करके देंगे, वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपको घोल कर पी जाना है, समझाया? जिस तरह कोल्ड ड्रिंक पीते हैं बड़े इंटरेस्ट के साथ, उसी तरह चार्ट ऑफ अकाउंट्स के तुम घोल कर पी जाना है। अगर वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपको याद नहीं होगा तो आप अकाउंट में हर जगह गलती करेंगे, और एक जगह भी गलती करेंगे तो ट्रायल आपका गलत होगा, ट्रायल गलत होगा तो ट्रायल के आधार पर PL भी आपका गलत होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, और ट्रायल PL गलत है तो बैलेंस शीट के मालिक भगवान ही है। बात समझ आ रही ना? इसलिए एंट्री करना है, लेकिन एंट्री करने के साथ साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि जो एंट्री हम करें वो सही है, और सारे टेस्टिंग के टूल्स आपके अपने पास हैं, आप खुद एंट्री कर सकते हैं, खुद चेक कर सकते हैं, खुद जान सकते हैं कि सही है गलत। बात समझ आ रहा ना? अकाउंट्स को बहुत सीरियसली सीखना, बहुत अच्छे से, बहुत काम का सब्जेक्ट है, इसको सीखने में बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती है, एक परमानेंट फ्यूचर भी रहता है लोगों का, बशर्ते आपके अंदर ये होना चाहिए कि हाँ आपको अकाउंट्स की सही जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, समझाया? इसमें एक्यूरेसी बहुत महत्वपूर्ण है, कोई डिजाइनिंग थोड़ी हम सीख रहे हैं, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो जाएगी तो भी चलेगा, नहीं, यहाँ अगर 1 0 भी आप एक्स्ट्रा बढ़ा दिए तो अमाउंट में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, क्यों? 10 रुपये देना था हमें 1 0 बढ़ा के दे दिया, डिफरेंस आएगा कि नहीं? 100 रुपये देना था हमने 2 0 बढ़ा के दे दिया, ले 2 0 और ले जाओ, अंतर आएगा कि नहीं? तो 0 0 का महत्व है साहब, ये चीज समझ आ रही ना? तो अभी हम इसका सोल्यूशन आपको नोट करा दे रहे हैं। दूसरा चीज, ये सारा चीज आपके सामने है, आपको देख कर ये बताना है कि सर क्या इन 5ों एंट्री करने के बाद मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस,
प्रॉफिट हुआ तो कितना, लॉस हुआ तो कितना, ये आपको देखकर बताना है, दिमाग लगाइए और देखकर बताइए।